Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu Alaikum. Respected parents, Momentous Schools Network के platform से आपको शामदीद कहता हूँ. आज मैं आपके साथ 27 मार्च 2020 की डायरी शेयर करने जा रहा हूँ क्लास 4 की. उसमें हमारे पास सबसे पहला सब्जेक्ट है इस्लामियात. तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ बुक से. इस्लामियात में मशक नंबर 2 और मशक नंबर 3 लिखें और याद करें. सफ़ा नंबर 5 पे सबक नंबर 1 है, अल्लाह एक है. ये देखें, ये हमारे पास सबक नंबर 1 है, अल्लाह एक है. इसका ये सफ़ा नंबर 5 है. इसके ऊपर मशक नंबर 2 है, दिए गए अल्फाज की मदद से खाली जगह पर करें. तो ये अल्फाज दिए हुए, इनकी खाली जगह पर करनी है और उसके बाद सवालात के मुख्तसर जवाब दें. ये सवालात दिए हुए, इनके मुख्तसर जवाब देने हैं. तो ये हलशुदा मशक भी आपको मिल जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप में. ये काम है बच्चों का, सवाल मशक नंबर 2 और मशक नंबर 3 ये बच्चे ने इस्लामियत का करना है. उसके बाद अगला सब्जेक्ट है हमारे पास इंग्लिश स्पीकिंग एंड ग्रामर. इंग्लिश स्पीकिंग एंड ग्रामर का काम है जी लर्न प्लस राइट एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 2 ऑफ लेसन नंबर 1. लेसन नंबर 1 कौन सा है? आर्टिकल्स का है, पेज नंबर 5 पे. ये पेज नंबर 5 है. ये हमारे पास एक्सरसाइज 1 है और एक्सरसाइज 2 है. 1 में क्या लिखा हुआ है जी? पुट टिक ऑन द राइट ऑप्शन. वही आर्टिकल्स जो बच्चे ने पीछे रीड किए हैं उन्हीं आर्टिकल्स की अब एक प्रैक्टिस करवा रहे हैं बच्चे को एक्सरसाइज के अंदर, या उसका असेसमेंट कर रहे हैं कि बच्चे को कितना समझ आया है. तो इसमें दो दो ऑप्शन दिए हुए हैं, बच्चे ने सही ऑप्शन पर टिक करना है. यानी ए है या एन आएगा, ए एन और डी में से कौन सा ऑप्शन सही वाला है वो लगा के बच्चा ये फिल करेगा, इसको सही करेगा, टिक द राइट ऑप्शन करेगा. उसके बाद पुट सूटेबल आर्टिकल्स इन द ब्लैंक्स. इसी तरह आप नीचे ये ब्लैंक्स दे दी गई हैं, इसके अंदर सही वाले आर्टिकल जो हैं वो लिखने हैं. तो इंशाल्लाह ये भी आपको सॉल्व्ड फॉर्म में मिल जाएगी. लेकिन बच्चे को अगर अच्छे तरीके से समझ आ जाए या आप घर पे समझा दें तो ये खुद प्रैक्टिस करे बच्चा पहले, फिर इंशाल्लाह आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की जाएगी उससे आप उसको कंपेयर कर लीजिएगा. ये बच्चे का इंग्लिश स्पीकिंग एंड ग्रामर का काम होगा क्लास 4 का. उसके बाद हमारे पास अगला सब्जेक्ट है मैथ्स. ये मैथ है. मैथ के पेज नंबर 8 पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है एक्सरसाइज 1B का. ये सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 1. उसके बाद यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 2 है पेज नंबर 9 के ऊपर, इसी एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 9 के ऊपर ये बच्चा यहाँ तक करेगा. सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दिए जा रहे हैं काम करने के लिए, यानी बच्चा सॉल्व करेगा, बाकी जो हैं वो बाद में अगले काम में आएंगे. तो ये हमारा आज का क्लास 4 का काम था. उम्मीद है आपको आज की डायरी समझ आ गई होगी. अगर फिर भी कोई मुश्किल हो तो आप हमसे हमारे राबता नंबर्स पे राबता कर सकते हैं. शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़.